ख्याल से जय आदिवासी। तो आज हमने इसलिए एक मीटिंग का अलाउंस किया था 3 दिन पहले कि बैंड के बारे में कुछ बातें करनी थी या हमारे दोनों गुजरात और महाराष्ट्र के जो संगठन के लोग थे आदिवासी और अदर कास्ट के लोगों का मेरे को फोन आता था कि आप इन्हें यूनियन बनाओ और आगे जाके नया यूनियन जो अच्छा क्रांति लेके आओ, उसके वजह से है ना हमने आज का 19 तारीख का हमने अलाउंस किया था मीटिंग के लिए। तो हमने सभी बैंक मालिकों से हमने संपर्क किया था, तो उसमें से ऐसा लग रहा है कि 70% जैसे लोग मतलब अनर्थ आ चुके हैं शायद, मेरे को मालूम नहीं है कि कितनी बैंड है। देखिए मेरा अंदाजे बात कर रहा हूँ मैं, तो आज हमारे यहाँ सुपर जंकर के ओनर श्री सतीश भाई यहाँ पधारे हैं और स्टार्टिंग हम यहाँ से उनसे ही करेंगे कि ये आके यहाँ आपको दो शब्द बोले और गाइडेंस तो बैंड के बारे में छोटा बड़ा प्रॉब्लम है इशू है उसके बारे में थोड़ा बात करें। सतीश भाई यहाँ पे सब बैंड के मालिक आए थे अभी, और अजीत भाई ने ये टाइम निकाला है हमारे लिए वो बहुत बड़ी बात है, वो तो बहुत बड़ी फैक्ट्री के मालिक है। तो अभी हमारे लिए इतना टाइम निकाला, अभी वो तो नए है, तो अभी सबको बुलाए ये सब प्रोग्राम रखा और टाइम निकाला, सब बैंड मालिक यहाँ पे हाजिर है, सब लोग यहाँ पे आके दो दो शब्द बोलेंगे बैंड के बारे में कि जो बैंड में अभी जो प्रॉब्लम चल रही है, टक्कर के बारे में, टाइम के बारे में, पैसे के बारे में, ये सब सब आके दो दो शब्द सब लोग यहाँ पे आके कुछ ना कुछ बोलेंगे। और अभी सुपर जनता और रॉकी स्टार का अभी बहुत मार्केट में चल रहा है, ये यूट्यूबर सब यूट्यूबर अभी वो बहुत सारी टैग डाल रहे हैं, जो बड़े यूट्यूबर है वो तो नहीं डाल रहे, जो समझदार है वो नहीं डाल रहे, जो छोटे यूट्यूबर है वो सब अभी ये सब बहुत कर रहे हैं। तो उनसे मेरी विनती है ये सब बंद कर दो और सिर्फ इंफॉर्मेशन डालो कि ये बैंड का यही पे प्रोग्राम है, ऐसा प्रोग्राम है ये टक्कर के बारे में। भाई मेरे बैंड का वीडियो मत डालो, मैं थक चुका हूँ, सबको मेरा निवेदन है भाई ये टक्कर वाली बात छोड़ दो, बस मेरा इतना निवेदन है। और पिंटू भाई तो मेरे खास फ्रेंड है, अभी भी मेरी आज भी बात हुई उसके साथ, तस्वीर कल भी बात हुई, मेरा फ्रेंड है पिंटू भाई, हमारी रोज बात होती है पिंटू भाई से, वो मेरा दुश्मन नहीं है और सबको लग रहा है वो हमारा और ये यूट्यूबर हमारे दुश्मन बना रहे हैं, इसलिए सब यूट्यूबर से मेरी विनती है ऐसा मत करो। सब बैंड वाले आए हुए एक एक बैंड सब आओ यहाँ पे मालिक और कुछ ना कुछ बोलो अंदाजित फिक्स करेंगे, उससे ज़्यादा कुछ भी हो पर उससे ज़्यादा पेमेंट नहीं लेंगे ऐसा।
वो भी बातचीत करेंगे। और उसके अलावा दूसरा किसी को जैसा कि कई बार कैसे होता है, मैंने समझो कि मैंने रेट दिया है भाई 70,000 या 80,000, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मैं इतना नहीं है बट बता रहा हूँ भाई 60,000 मैंने लेने का बातचीत की। तो मैंने फोन जैसे मेरे से डिस्कनेक्ट हुआ कस्टमर का, तो कोई किसी और ब्रांड को फोन लगाएगा, तो उन्होंने बताया भाई वो गोल्डन वाला 60,000 में आ रहा है, तो आप कितना लोगे? तो भाई बोलेंगे कि एक काम करो ना, मुझे 50,000 देंगे, मुझे 45 दे देना, मैं आ जाऊँगा। तो वो बात भी गलत हो जाती है। इसकी चक्कर में मानोगे नहीं, ये साल जो चालू साल है ना, उस चालू साल में कई लोगों ने बहुत सारे नुकसान झेला है उसकी वजह से। अगर मानो 2 जन को फोन गए तो तीसरा रेडी हो जाएगा, भाई मैं 35,000 में बजा दूंगा या मैं 30,000 में बजा दूंगा। तो एक्चुअली होता क्या है उसमें कि भाई नुकसान ना वो दूसरे ब्रांड का नहीं हो रहा, पर खुद का ही हो जाता है नुकसान। तो वही बाबत में जो जो चीज़ें वो बातचीत करेंगे, बट दो चार जो भी इश्यू है वो सब अभी डिस्कस कर रहे हैं, तो बारी बारी आके अपना डिस्कशन करें कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है करके। तो मैं एक्चुअली बहुत सारे यहाँ पे मालिक यहाँ पे बैठे हुए, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, और सब आप आके थोड़ा जो भी कुछ प्रॉब्लम हो आके बताए। थैंक यू।